हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग एंड वी आर नाउ इन माउंट आबू। तो जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि हम जोधपुर में थे, जोधपुर से हम माउंट आबू आए हैं और माउंट आबू आने के लिए हमने सबसे जो कन्वीनियंट वे है वो यूज़ किया। जोधपुर से एक्चुअली सुबह अराउंड 6 एक ट्रेन रहती है जम्मू तवी नाम से, तो वो ट्रेन है करीब 40-45 किलोमीटर है, तो आपको वहाँ से काफ़ी शेयरिंग वाले ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जीप वगैरह मिल जाएंगी जो आपको करीब 50-60 रुपए लेंगी पर पर्सन, और वो आपको यहाँ पे माउंट आबू में बस स्टैंड के आसपास छोड़ देते हैं। तो आपके लिए अगर होटल की लोकेशन की अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे आना चाहते हो आप, तो ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की। कैसे भी करके आप आबू रोड तक ट्रेन से आ सकते हो या बस कन्वीनियंट है तो बस से आ सकते हो। वहाँ से शेयरिंग जीप वगैरह टैक्सी वगैरह आपको माउंट आबू में मेन जो बस स्टैंड है वहाँ तक छोड़ देती हैं। अब बात करते हैं होटल की। तो देखो, होटल की अगर आप एकदम बजट में चाहते हैं कि एकदम बजट में आपको रूम मिले, तो आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत कम होटल्स हैं जो ऑनलाइन लिस्टेड हैं, और लेकिन अगर यहाँ पे आते हो तो आपको हॉकर्स वगैरह, एजेंट वगैरह काफ़ी सस्ते 500-600 रुपए वाले रूम भी काफ़ी दिखाते हैं और उनकी क्वालिटी भी ठीक रहती है, रहने लायक रहते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रूम करवाना चाहते हैं, तो मैंने ये किया। ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था एक्चुअली, क्योंकि मैंने 1000 रुपये का रूम किया था और मुझे जो रूम मिला है और जो लोकेशन आप पीछे जो देख रहे हो ना, ये पूरा ये होटल से ही, मैं माउंट आबू का ही मेरा होटल है, होटल का नाम है पराश न्यू। लेकिन ये मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिला है मुझे, है ना। तो इसकी लोकेशन, इसके जो यहाँ पे सजावट है वो सब कुछ अच्छा है। बस स्टैंड से हार्डली 2-3 मिनट वॉकिंग है। हाँ बेटा, बस स्टैंड से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। रेस्टोरेंट्स भी इसका खुद का भी है और आसपास भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं मेन मार्केट में। और यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का जो आप ये देख रहे हो चारों तरफ मेरे, काफ़ी अच्छा है और एकदम रूफटॉप वाला मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, और वहीं पे ही मेरा रूम है, और रूम की क्वालिटी भी उस बजट रेंज में देखें तो काफ़ी अच्छी है। और स्पेशली यहाँ का बाथरूम है वो तो एकदम 4-5 स्टार होटल जैसा है। मैं आपको उसका टूर करवा दूंगा रूम का, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखो, ये सीरीज़ है जो होटल वाली सीरीज़ मैंने चला रखी है, वो इसीलिए चला रखी है कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, कुछ भी होटल बुक करवा लेते हैं, और हो सकता है उसका कई बार अच्छी भी होटल बुक कराएं तो उसका चार्ज है वो बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं। मेरा ये रेंज हर किसी के लिए नहीं है, ये मेरे वीडियो बनाने का एम उनके लिए नहीं है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो तो आराम से 4-5 स्टार, उनको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो वहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, रिव्यू देख के आप जा सकते हो। मेरा कंसर्न उनके लिए है जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनको एकदम कम रेंज, मतलब कम से कम खर्चा करना है, और उनको होटल की क्वालिटी भी ऐसा चाहिए कि वो सेटिस्फाइंग हो, वहाँ जाके उनके हॉलिडे है, उसका प्लान है, जो हॉलिडे प्लान है उनका, वो एकदम ख़राब नहीं हो जाना चाहिए, होटल देख के उनका मूड ऑफ नहीं हो जाना चाहिए, कुछ कम रेंज में उनको कुछ अच्छी क्वालिटी मिल जाए, तो वो एम है मेरा। तो यहाँ पे मेरा किसी भी होटल के साथ टाई अप नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी होटल के साथ मेरा कुछ एफिलिएट लिंक भी नहीं होता है, तो बस मैं नाम बताता हूँ आपको, और मैं आपको, अगर होटल अच्छा है तो ही मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, हो सकता है कई होटल में मैं रुका हूँ वो अच्छे नहीं हो तो मैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जो होटल मुझे उस जगह का, क्योंकि इसके पीछे भी मेरी काफ़ी रिसर्च होती है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो काफ़ी दिन मैं रिसर्च करता हूँ होटल्स के लिए, एटलीस्ट 8-10 दिन मैं रिसर्च करता हूँ, तब जाके मैं फाइनलाइज़ करता हूँ। तो रेट वगैरह देख के, प्राइस वगैरह देख के, लोकेशन वगैरह देख के, तो सारी चीज़ें देखने के बाद, तो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सी होटल में रुकना है। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो अगर आप जा रहे हो और आप अगर मेरे ब्लॉग देखते हो, तो आपको ये सारी रिसर्च से ना जाना पड़े और आपको कुछ देखने का बेनिफिट एज अ सब्सक्राइबर मिल जाए, तो वो मेरा बस मेन मोटिव होता है। तो एज अ अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हो, आप अगर यहाँ पे मेरे ब्लॉग्स है वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए एटलीस्ट ये चीज़ फ़ायदेमंद हो जाएगी कि आप जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे ब्लॉग्स आप देख रहे हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और आँख मीच के आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप उस जगह जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं बाकायदा उनकी वीडियो भी बनाता हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो जगह कैसी है और वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा, तो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा वहाँ पर बेटर हो सकता है, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम का और बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये था मेरा होटल का रिव्यू,
और आप चाहे तो अभी मैं इसका वीडियो आपको पूरा डाल दूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि इसका आपको आइडिया लग जाएगा। लोकेशन तो मैंने बता दिया, मेन मार्केट है जो बस स्टैंड है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बाकी ये रूम कैसा है और बाहर से कैसा है तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो आपको एक हिंट मिल जाएगी, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प हुई होगी इस चीज़ में। और अगर आप ये बुक करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कम रेट मिले, जहाँ पे भी आपको अच्छी रेट मिल जाए वहाँ से बुक कर सकते हैं। मैंने ये गोवाई भी वो से बुक किया था क्योंकि वहाँ पे मुझे सेम रूम की अच्छी रेट मिली थी। और अच्छा ये हुआ कि मुझे शायद बेसिक रूम मैंने बुक किया था लेकिन मुझे स्टैंडर्ड रूम इन्होंने अपग्रेड करके दिया है, क्योंकि अभी मार्च में मैं आया हूँ, ऑफ सीज़न है, यहाँ पे रूम्स सारे खाली थे, तो इन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर मुझे एक अच्छा रूम अपग्रेड करके दे दिया है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे रूम क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी, इसकी रूम क्वालिटी है वो जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस ब्लॉग को बनाने का बस एक ही मोटिव था कि अगर आप माउंट आबू आना चाहते हैं तो आपको मैं गाइड कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कम ब्लॉग्स देखे हैं माउंट आबू के ऊपर, तो मैंने बहुत कम ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें माउंट आबू के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे कुछ आप लोगों के सामने कुछ स्टफ रख सकूँ, आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आप लोगों को। तो इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मोटिव था कि आपको ये बता सकूँ सबसे पहली बात तो कि पहुँचना कैसे, क्योंकि इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रोवाइडेड नहीं है। तो सबसे बेटर है कि आप ट्रेन से आबू रोड आएँ, आबू रोड वहाँ का एक नीचे स्टेशन है जहाँ पे हर जगह की ट्रेन्स आती जाती रहती हैं। इसके बाद आबू रोड से आपको बाहर निकलते से अगर टैक्सी करना चाहते हैं तो टैक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी है वो 1500-2000 रुपये लेगी एक साइड का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। बेटर है आप जीप ले लें, जीप पर पर्सन 50 या 60 रुपये लेती है और वो आपका लगेज भी होगा तो वो लगेज को आराम से कैरी करते हैं, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे उतारेंगे, अगर आप चाहें और ज़्यादा बजट में आपको कोई रूम चाहिए तो स्टेशन के आसपास आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी 500-600-700 रुपये में मिल जाता है। और जो मैंने ये लिया ये ऑनलाइन बुक किया है, अगर आप पहले से ही श्योरिटी चाहते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पे इधर उधर घूमना नहीं चाहते, तो ऑनलाइन ये होटल चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। ये भी होटल जो मेन मार्केट है वहीं पे ही है, जहाँ पे बस स्टैंड पे जहाँ पे आपको जीप ड्रॉप करेगी वहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे, और ये रूम की क्वालिटी सेटिस्फाइंग है और रूम ये होटल है ये काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग।